जी तो चैनल को हमने 4 इंच तकरीबन 4 इंच काटी है दोनों साइडों से। मेन कर लिया है इसको। अब हम यहाँ पे इसके सेंटर पे एक 5 फीट का सुराख कर लेंगे और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। और ये वाली जो ये वाली पट्टी है इसको ये रगड़ के ग्राइंड करके प्लेन कर लेंगे। तो मैं जल्दी से सुराख कर लेता हूँ और आपको बताते हैं अभी क्या करना है। ये एक नट बोल्ट के ऊपर चढ़ा लेंगे और इसको इस चैनल में डाल के जहाँ सुराख किया है, और दूसरा ये नट जिसमें ये सुराख किया बोल्ट जाने के ये वाला इतना इसको टाइट करेंगे कि ये बोल्ट इसके बिल्कुल बराबर आ गए। यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद ये वाला बोल्ट जो है ना इसको सीधा इधर रख के यहाँ पे इसको वेल्ड कर देंगे। ये बिल्कुल सीधा रख के तो मैं इसको वेल्ड कर लेता हूँ जल्दी से और इसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको हमने रोकने के लिए टांके लगा दें यार कच्चा इसको अभी वेल्ड किया है, बाद में इसको इधर अच्छी तरह से ब्राइस की कर देंगे। अभी इसलिए कच्चा वेल्ड किया गया, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ा तो हम इसको सीधा कर सकें। और इसके बाद हम ये वाला नट इस पट्टी के साथ ये जो पट्टी आगे लगा इसके साथ वेल्ड करेंगे। ये जिस नट में सुराख हमने किया इसको भी अभी एक दो टांका लगा लेते हैं। इसके नीचे हमने ये पट्टी रखी है ताकि ये वाली पट्टी पीछे को आनी है तो आसानी से आ जाए, तो नीचे ना लगे। ये थोड़ा सा ऊपर उठा कर रखा इसको वेल्ड करने के बाद इसको ऊपर से ग्राइंड करके प्लेन कर देंगे। तो मैं इसको एक दो टंके लगा देता हूँ। जी तो इसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ पे ये वाला जो बोल्ट है यहाँ नट के ऊपर इसको एक पेच लगाना है, स्क्रू लगाना है, और ये वाले बोल्ट को हम दो दो चूड़ियाँ तकरीबन जितना ये मोटा 200 का पेच है इतनी इसके चारों तरफ जरी लगा देंगे ताकि ये आसानी से इधर से घूम सके। ये वाला नट तो इधर वेल्ड हो जाना है, ये तो घूमना नहीं है।
और ये वाला अंदर से घूम सके। ये वाला स्क्रू इधर इसलिए लगाना है कि ये इसकी चूड़ी खुल के बाहर ना आए, वहाँ ही अंदर ही घूमता रहे। तो मैं इसको नट को बाहर निकालता हूँ और इसको जल्दी लगाता हूँ। से निशान लगा लिया था, यहाँ से ये इसकी ना तीर से निशान लगाया। अगर आपको नज़र आ रहा है तो इधर से दो चूड़ियाँ हमने घिसनी है, जरी देनी है। दो चीज़ें बची हैं, इसको भी हमने घिस के गोल कर लेना ग्राइंड करके, ताकि उस नट में इसकी चूड़ी ना लगे, ये फ्री चले। तो मैं इसको भी रगड़ देता हूँ। इसके बाद हम दो सूत्र का एक नट लेके इधर लगाएंगे। मैं दो सूत्र अभी लंबा लेना इधर डाल के इसके अंदर इसको टाइट कर लेते हैं। ये ओके हो गया, ये बाहर भी नहीं निकल रहा और घूम भी रहा। लगा के इधर और ये वाला नट टाइट कर देते हैं। नट टाइट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि आया कि ये अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं। जी तो ये बिल्कुल ओके है। आप भी आगे भी जा रही है, पीछे टाइट भी हो रही है और पल भी रही है, अच्छी तरह से करता है। तो अब हम इसके बाद हम ये वाले नट अच्छी तरह से पक्के करके वेल्ड करके और इस नट को भी इधर से वेल्ड करके अच्छी तरह से, तो इसके बाद फाइनल इसकी चेकिंग करते हैं और इसके पीछे ये इसका हैंडल लगाते हैं इसको घुमाने के लिए। चारों तरफ से ये नट वेल्ड कर देंगे और ये वाला भी चारों तरफ से इसको पक्का वेल्ड कर देंगे।
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔